केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने वीडियो संवाद कर बताया कि पुलिस को शुक्रवार की रात सूचना मिली थी कि बेनाजिर किस्कू की हत्या में शामिल फरार चल रहे दो अभियुक्त अपने गांव गमरिया आए हुए। रात में ही दबिश देकर दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधी आरतेश मुर्मू एवं कुड़चा उर्फ शिवधन हांसदा के, जो गोपी कांदर थाना अंतर्गत गमरिया गांव के ही रहने वाले हैं। बताते चले कि गोपी कांदर थाना के एसपीओ बेनाजिर किस्कू की हत्या बीते 30 मई को कर दी गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त आरतेश का आपराधिक इतिहास रखा है। उस पर गोड्डा के सुंदर पहाड़ी और पाकुड़ जिला के पाकुड़िया थाना में डकैती के दो मामले दर्ज हैं। आरतेश की गिरफ्तारी से यह खुलासा हो गया है कि बेनाजिर किस्कू की हत्या पैसे को लेकर ही हुई थी। आरतेश ने स्वीकार किया कि 30 मई को वह इंग्लिश हेम्ब्रम कुड़चा व रसिक सोरेन लखीवाद हाट में बैठकर शराब पी रखे थे। इसी बीच तलबड़िया गांव का बेनाजिर आया और बैठकर शराब पीने लगा। इस बीच आरतेश और बेनाजिर के बीच पैसे को लेकर कहासुनी होने लगी। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। दुमका जिला अंतर्गत गोपी कांदर थाना है, उसमें खरीनी बाजार था, जिसमें कि मई में एक घटना घटी थी, जिसमें एक बेनाजिर किस्कू नामक एक व्यक्ति को बुरी तरह से सिर को जो है कि पत्थर से कूच करके बेरहमी से मारा गया था। उस कांड के बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक जो है इंग्लिश हेम्ब्रोम नामक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर कई जो है कि सुराग हमें मिले। और कल जो है कि गोपी कांदर थाना अंतर्गत दो व्यक्तियों को जो उस कांड में संलिप्त थे, जिन्होंने उसका जो है कि मर्डर करने में जो है साथ दिया था, उनको जो है कि गिरफ्तार करके हमने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक और इसमें ये गोपी कांदर थाना अंतर्गत जो कांड हुआ है, जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, आतरेश मुर्मू हैं और एक कुड़मा हांसदा, और ये दोनों व्यक्ति ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और दोनों के खिलाफ कई थाना में कई कांड दर्ज हैं। 395, 302 इत्यादि कांड इनके ऊपर दर्ज है। पूर्व में इनका इतिहास आपराधिक इतिहास रहा है। कहाँ के रहने वाले थे ये दोनों? अच्छा, इसको ये गोपी कांदर थाना अंतर्गत इनका जो है घर पड़ता है।